नाली भर जाती है बार बार, हम अगर डंडे से लिखाई धरते हैं ना तो जमादार आते ना कोई आता, सांप कीड़ा इतने इतने बड़े बड़े लिखते हैं जी, और देखो ये हालत हो रही है नाली की। कोई यहाँ पे साथ कोई नहीं आता, बाजार लगता है, भीड़ बाजार को जब आते थोड़े थोड़े लिखा लेते हैं पैसों के, शाम को पैसे ले जाते हैं बस खत्म। नेक नेक लिखालते हैं कूड़ा, 15 दिन हो गए नाली नहीं लिखाई। और जब से चुनाव होते हैं उस टाइम नेता लोग यहाँ दिखाई देते हैं, और जीतने के बाद तो किसी की शक्ल देखने को नहीं मिलती है, सब एक दूसरे को ऊपर टाल देते हैं, कोई नहीं सुनता है। पानी भर जाता है, मच्छर बहुत होते हैं और गंदगी है यहाँ पर, और काफी लोग बीमार भी रहते हैं इससे, जो मच्छर होंगे तो पैम जब वोट पड़ेंगे ना, जब आओगे पाँव पकड़ेंगे हाथ जोड़ेंगे, हम करेंगे फिर कोई ना आकर देखता। छोटे छोटे बच्चे भी हैं तो बीमारियां भी तो होती होंगी। फिर बीमारी तो हुआ, हम आप बीमार पड़े इसे की वजह तो है, डेंगू है, घर में तो साफ सफाई खुल रहा है, चलान काट देंगे इसका, कोई ना काटता चलान। कोई निगम पार्ष करने के लिए हमारे पास में है, कोई कार्रवाई नहीं जब से बनी है, कभी एक बार भी नहीं आ गए, शिकायतें करते हैं जी जाके हमारे यहाँ के भी, पर कोई कार्रवाई नहीं। नमस्कार, मैं ज्योति सिंह इस वक्त मौजूद हूँ नरेला के गौतम कॉलोनी में, जो कि अपने आप में ही एक काफ़ी VIP कॉलोनी मानी जाती है। यहाँ पास में ही निगम पार्षद श्वेता कमल खत्री का घर भी है, और उसी गौतम कॉलोनी का आप नज़ारा देखिए कि मेरे पीछे कैसे गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आपको बता दें ये DDA की ज़मीन है, यहाँ पार्क बनने वाला था, लेकिन ना तो यहाँ कोई बाउंड्री दी गई है, ना ही कोई साफ़ सफाई है, और पार्क तो ये कहीं से भी नहीं लगता। यहाँ आवारा पशु पक्षी घूमते रहते हैं, और यहाँ के जो भी स्थानीय लोग हैं वो यहीं पर कूड़ा डालते हैं। जी आंटी, आपके घर के सामने इतना कूड़ा लगा हुआ है, जला रहे हैं ये, ये वोट मांगना जब ताज यहाँ, फिर कुछ ना, फिर कोई देखने नहीं, फिर कौन आवा है, फिर का के काम, अरे कुत्ते दाबा मानस दाबा चोर बाट है, और मच्छर खा सारी बीमारी फैल रहा है, और बीमार वो होगा गोली खाएगा। आपको साफ सफाई के लिए कोई साफ सफाई नहीं, देख लो कोई नहीं आता, तो आप लोगों ने इसकी शिकायत की है? कौन शिकायत सुना है, कौन है तो पहले वोटा के टाइम सुना, फिर कुछ ना शिकायत कोई नहीं सुनता ना, फिर चक्कर चार जवारी DDA की जमीन है, फिर DDA की तो यहाँ कितने दिन था गड्डी, गरीब केजरीवाल कोई ना करता, खान खान के नोट टाड़े सब, न्यू यो खा गया न्यू यहाँ खा गया। पार्क में झूले कोई एक पेड़ पौधा लाग जा, कोई डंका बन जा, अरे कुछ भी नहीं, कितना बुंदा को झूले लगने चाहिए, हाँ चाहिए एक आधा था, बड़े बूढ़े भी घूमे, और जी 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 कोई नहीं घूमन का काम मार की मांग यही है, इसकी चार दीवारी हो, इसमें पार्क बने, झूले लगे, और बड़े बड़े समस्या। राम प्रकाश गुप्ता, हाँ जी, ये कूड़े के बारे में बोलना है, और क्या क्या इसको उठवाया जाए यहाँ से, सब साफ सफाई कराई जाए, और जब से चुनाव होते हैं उस टाइम नेता लोग यहाँ दिखाई देते हैं, और जीतने के बाद तो किसी की शक्ल देखने को नहीं मिलती है यहाँ पे, यहाँ कूड़े की शिकायत करी आप लोगों ने, कितनों से शिकायत करें, किससे शिकायत करें, कोई सुनने वाला है या कोई नहीं सुनता है, सब एक दूसरे को ऊपर टाल देते हैं, कोई नहीं सुनता है। कूड़े वाली गाड़ी या साफ सफाई करने कोई आती नहीं, कूड़े वाली गाड़ी तो कूड़ा लेने आती है घरों से डेली आती है, वो तो उसकी तो कोई कंप्लेंट नहीं है। लेकिन जो आपके घर के पीछे इतना ये मलबा जो है, ये सब कुछ जमादार डालते हैं, कुछ कॉलोनी वाले डालते हैं, जिस दिन गाड़ी नहीं आएगी कूड़ा घर में थोड़ी चढ़ाएंगे, वहीं फेंक के आते हैं सारे, ये है तो सारी कहानी। उठना चाहिए और यहाँ चार दीवारी इसकी होनी चाहिए ऊंची, 8-10 फुट की कम से कम, जिससे कूड़ा फेंक ना पाए। कोई पार्क बना हुआ है? कोई पार्क नहीं, कोई पार्क नहीं, नहीं अगर किसी की पुलिस वाले की किसी की भाई एक दो राउंड मारे या देखे कोई गलती तो नहीं कर रहा है, ये होना चाहिए, प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता इस बारे में। यहाँ शाम के वक्त कुछ गलत चीज़ें भी, हाँ आवारा लड़के आवारा पशु दुनिया भर के रहते हैं यहाँ, शाम के टाइम क्या सारे दिन ही बैठे रहते हैं जी जी। उनका कोई रोकथाम नहीं है, ना कोई पुलिस प्रशासन काम कर रही है, ना ये तुम्हारी सरकार कोई काम कर रही है। कूड़े का क्या चक्कर है, दो कोई आओ वाले गिर गए हैं, परेशान हम है, उड़ उड़ का सारा अड़े यान का पूरा बड़ा सफाई करने आता है इधर ना, इस गली में आवे है उड़ा कोई ना करता, सारी तू कर दे कि जो जमींदार है उससे मैं आके गिरा हूँ दम, हाँ। लेकिन फिर आपके यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी हैं तो बीमारियाँ भी तो होती होंगी। फिर बीमारी तो हुआ, हम आप बीमार पड़े इसे की वजह तो है, डेंगू है, घर में तो साफ सफाई खुल रहा है, चलान काट देंगे इसका, कोई ना काटता चलान, इसका भी तो काटना चाहिए ना, तो ना। पास में निगम पार्षद भी रहते हैं, तो आपसे उनसे शिकायत करी सब तय कर ली हमने, तो कोई भी नहीं आता,
जब वोट पड़ेंगे ना, जब आओगे पाँव पकड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे, हम करेंगे, फिर कोई ना आकर देखता, कोई भी नहीं आता। देख लेना कितना बुरा हाल हो रहा है, कितनी बारिश थी, सारा पानी भरा था, वो अपने आप पर सूख सूख का हो गया, पर किसी ने गौर नहीं करी ना, कोई मतलब नहीं। जी यहाँ पे जी जमादर वगैरह कोई नहीं आता, नाली भर जाती है, कोई निगम पार्श करने के लिए हमारे पास में है, कोई कार्रवाई नहीं जब से बनी है, कभी एक बार भी नहीं आ गए, शिकायतें करते हैं जी जा के हमारे यहाँ के भी, पर कोई कार्रवाई नहीं। हफ्ते में महीने में वो आते हैं जमादर, हफ्ते में अपने एक बार नाली निकाल के ले जाएंगे और कुछ नहीं करते जी। यहाँ ऐसे कूड़ा बूढ़ा मच्छर पानी, थोड़ी सी बारिश आ जाती है, हफ्ते में निकलते हैं जी, ऊपर का कूड़ा निकाल देंगे, बाकी यूँ ही भरा रहेगा, अपने हाथों से साफ करते हैं हम जी यहाँ पे। हाँ जी, बस यहाँ बारिश आ जाए तो ऐसा लगता है कि बाढ़ आ गई है, हमारी गौतम कॉलोनी बाढ़ आ गई ऐसा हो जाता है जी। यहाँ थोड़ी सी बरसात में बाढ़ पानी आ जाते हैं, बहुत परेशान होते हैं, छोटे से लेकर बच्चे बड़े तक सारे परेशान रहते हैं। हाँ जी, बीमारियाँ भी होती है, बहुत होती है जी, बारिश के मौसम पानी भी भर जाता, बहुत हद से ज्यादा बढ़ता है जी। हाँ जी, पानी वानी की कोई समस्या कैसे, बिजली पानी की तो कोई नहीं, पर सबसे ज्यादा ये ना यहाँ से पानी नहीं निकलता। हाँ जी, निकासी नहीं है पानी का, गंदगी की वजह से भाई, वहाँ से सारा दिन भी लगी रहती है पागलों की तरह, फिर करें तो मुसीबत, ना करें तो मुसीबत, यहाँ के इसी वजह से सारी ये दिक्कत तो यही है बस नाली। और राजेंद्र कुमार जी, आप यहीं रहते हैं जी? हाँ जी सर, यहाँ पे तो काफी कूड़ा हो रहा है। हाँ जी, काफी कूड़ा है और कंपनी से कंप्लेंट भी करते हैं, प्रशासन क्या करता है कि कुछ टाइम के लिए जब ज्यादा कंप्लेंट हो जाती है जी, गाड़ी भेज देते हैं बुलडोजर से ना, इसको साफ करवा पीछे हटाते हैं। इसका ये डीडी के अंडर में आता है प्लॉट, ये इसका ये है कि इसकी बाउंड्री हो जाए, इसकी इस प्लॉट की पूरी बाउंड्री अच्छे से हो जाए और बाउंड्री होने के बाद साफ सफाई पार्क वगैरह हो जाए तो यहाँ के जो लोग आम जनता जो है, यहाँ के रहने वाले जो है, इनको सुविधा हो जाएगा। हमारी डीडीए से भी और एमसीडी से सबसे प्रार्थना यही है कि यहाँ की लोगों की भावना को देखते हुए, इनकी जरूरत को देखते हुए इसकी बाउंड्री हो जाए और ये कूड़े का जो है पूरा प्रॉपरली तरीके से इसका प्रबंध हो जाए, बस हमारी यही मांग है। तो आपने इस बात की शिकायत की है? शिकायत तो कई दफ़ा कर ली है, कई बार जाते भी हैं, शिकायत करते हैं तो उसके बाद में मतलब एमसीडी के जो अधिकारी हैं जो तो है वो आते हैं, थोड़ी सफाई कर जाते हैं, कराने के बाद में उसके बाद 10 दिन के बाद फिर जैसे ही है। और हमारी पुलिस से भी रिक्वेस्ट ये है कि यहाँ शाम के टाइम में जमावड़ा ले जाता है, शराबी कबाबी इकट्ठे हो जाते हैं, ग्रुप बन जाते हैं, तो 2-3 डिपार्टमेंट से ये है कि लोगों को यहाँ देखते हुए, इनकी समस्या को देखते हुए, इनको जरूरत को देखते हुए इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आज दिल्ली सरकार पूरे अभियान चला रखे है कि सड़कों में गड्ढे नहीं होने चाहिए, तो इस तरह भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए कि यहाँ सफाई होनी चाहिए। सफाई वाला कोई आता है इधर सफाई? हाँ सफाई आते हैं, एक लेडीज की लगा रखी, ड्यूटी लगा रखी है और वो करती है जितना उससे होता है करती है, मगर और अच्छे तरीके से जैसे पूरा पूरी अगर टीम अगर हो जाए। आसपास की निगम पार्षद का घर भी है? हाँ जी, हाँ जी, यहाँ सफाई करवानी चाहिए? नहीं, सफाई तो करवाते हैं, वो ऐसी बात नहीं, आते हैं देखते भी हैं, मगर ये बहुत मतलब काफी इसमें है ना, इसमें सबसे बड़ी बात डीडीए की बाउंड्री होनी बहुत जरूरी है, इसमें बाउंड्री होगी तो तब इसमें काम आगे चलेगा।